नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस लगातार राजस्थान के रण में उतरी हुई है और यहां राजस्थान के अलग अलग जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में हम यहां सियासी तापमान माप रहे हैं। राजस्थान के चुनावी रण में अब धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होती जा रही है, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट भी आ रही है, प्रत्याशियों की घोषणा भी हो रही है। बीजेपी की कल लिस्ट दूसरी आई, 83 उम्मीदवारों की घोषणा हुई। कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ गई है, 33 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अब तस्वीर साफ हो गई है, जो विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं, चेहरे वो सामने आने लगे हैं। कई जगहों पर बगावत के भी सुर तेज हो रहे हैं। हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले के धारियावाड़ में। धारियावाड़ विधानसभा सीट है और यहां से कन्हैयालाल मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। इनके पिता भी दिवंगत, उन्हें भी विधायक का टिकट मिला था। पहले भी विधायक वो रह चुके हैं, दो बार जीत चुके हैं और इस बार क्या वो जीत पाएंगे, धारियावाड़ की जनता बताएगी। और प्रतापगढ़ में भी एक विधानसभा क्षेत्र है, तो ये दो विधानसभा क्षेत्र, छोटा जिला प्रतापगढ़ और धारियावाड़, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार क्या सियासी समीकरण रहेंगे, किन मुद्दों पर बात होगी, समझने के लिए यहाँ की जनता मौजूद है और उनसे समझेंगे चाय पर चर्चा, चाय के साथ। तो किन मुद्दों पर इस बार वोट आप लोग डालने जा रहे हैं? कांग्रेस को इस बार इनकी जो कार्यप्रणाली है और इनकी योजनाएं हैं वो एक्सलेंट है। आज तक इतने वर्षों में ऐसी कोई योजनाएं जनता के लिए नहीं आई थी। इस इलाज की देखिएगा और दूसरे डेवलपमेंट की देखिएगा, तो आज की तारीख में कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा है ही नहीं, एक धर्म को छोड़ करके। इसके अलावा कांग्रेस के अपोजिशन के लिए, उसके विरोध के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस की टक्कर में क्या कोई नहीं है यहाँ पर? किन्हें लगता है ऐसा? आपको भी लगता है कि कांग्रेस की योजनाएं यहाँ पर अच्छी हैं और वही मुद्दा है? कांग्रेस अच्छी नहीं है। क्या क्या क्यों अच्छी नहीं है? क्या है उनके पास, क्या मुद्दा है? कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, झट बोलते हैं। तो यहाँ फिर क्या काम हुआ है जो लोकल लेवल पर? कुछ काम नहीं हुआ है। कोई इशू, कोई ऐसी समस्या जो आप बताना चाहें जिस मुद्दे पर वोट आप डालेंगे इस बार? हमारे को मुद्दा एक ही है, कन्हैयालाल चाहिए बस। चेहरा, हाँ, ये विधायक का चेहरा आप देखेंगे, कन्हैयालाल मीणा का चेहरा। कांग्रेस ने काम किया है ये मुद्दा है या फिर काम नहीं हुआ है ये मुद्दा? नहीं, काम हमारे दरियाव विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ जो आज दिन तक नहीं हुआ है। सड़क, पानी, बिजली, यही ग्रामीणों की मेन समस्या है और ये अच्छी हो रही है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने आप अभी कन्हैयालाल मीणा का चेहरा अब सामने आ गया है, चेहरा देखेंगे या फिर कांग्रेस की सरकार के काम देखेंगे? नहीं, ये तो जनता पे है साहब, इसमें तो हम क्या कमेंट नहीं करते। आप ही है ना? नहीं, जनता थे पर हमने अपने विचार रखे ना। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने काम अच्छा किया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस ने काम अच्छा नहीं किया। अभी तो काम अच्छा कर रही है कांग्रेस, काम अच्छा कर रही है। योजनाओं को छोड़ करके एक इलाज की, अस्पताल की, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी पत्नी को हर महीने 6 लाख रुपए की दवाइयाँ जो निशुल्क RGHS के मार्फत, मुझे 1 करोड़ की दवाई निशुल्क मिली है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा बिल रिएम्बर्स हो सकता था, लेकिन रिएम्बर्समेंट के लिए कितना पसीना आता है, वही प्रति माह 6 लाख रुपए की दवाई मुझे मेरे घर पर निःशुल्क उपलब्ध हुई है। इस तरह की योजना किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया नहीं है। इसी के अलावा आपको चिरंजीवी में आज व्यक्ति इलाज के लिए जाता है, पहले पैसा होता था तो वो जिंदा रहता था, आज उसका इलाज निशुल्क हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी योजना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों अगर चीज़ मिल जाती है व्यक्ति को तो यही चीज़ है। आप लोग बोलो, सही इनके पक्ष में है आप? पक्ष में तो क्या है कि राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, सबसे बड़े बेरोजगार जो है, बेरोजगार युवा जो आज इस स्थिति पे बैठा है कि जो पैसे लेके टिकट बांटे गए, जो पेपर बांटे गए, उस पेपर में यानी युवाओं की त्राई माम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते करके भी उनको वो रोजगार गरीब को नहीं मिल पा रहा है। हर व्यक्ति की सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती है और उस सिस्टम में सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, कहीं पर किसी का स्वार्थवश ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें पूरे सिस्टम में हैं जो हमेशा चली आ रही हैं कि सारी चीज़ें सब अच्छी नहीं हो सकती है, इनको सुधारने का। पेपर लीक इशू है, बेरोजगारी इशू है ऑल ओवर इंडिया।
ऑल ओवर इंडिया? ऐसा है सर कि ये सरकार ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। बलात्कार में नंबर वन आ गई है, भ्रष्टाचार में नंबर वन आ गई है, और पेपर लीक, युवा, किसानों के साथ में इन्होंने पिछली बार वादा किया था कि हम आए तो 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, और अभी बीच में इन्होंने कहा कि किसानों का बिजली बिल फ्री, बिजली के 4000 बिल आ रहे हैं। किस मुद्दे पे ये सरकार सही है? ये 4-5 साल तक आपस में लड़ते रहे, होटलों में ठहरे, इस राजस्थान की जनता को बिल्कुल गर्त में लेके चली गई, और हर मुद्दे पे फेल सरकार है। हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर तो कोई फेल नहीं है सरकार। ये देखने वाले जान रहे, नवयुवक जान रहे, युवा जान रहे। सबसे बड़ी बात तो जो चिरंजीवी की है, आज जो इलाज के मामले में है ये, और आपने कहा बलात्कार तो जब मणिपुर में भी हुआ था, वहाँ भी हुआ था, यहाँ कहीं 100 में से 1 अगर ये ऐसा केस हो जाए तो कोई वो नंबर वन पे राजस्थान, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें बलात्कार में। रिकॉर्ड तो आप मणिपुर में भी जाके देख सकते हो, रिकॉर्ड की वो एक अलग घटना है। आप उसको रेप में जो उस एक आंकड़े से नहीं ले सकते, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। नहीं, ये तो सरेआम हो रहा है सर, मणिपुर में जो 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 हुआ वो तो राजस्थान में। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं आपको लग रहा है? बिल्कुल सुरक्षित है। महिला अपराध को लेकर आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी की तरफ से, या फिर आम जनता भी कह रही है? ये 100 में से 1 तो कहीं होता है, वो तो एक अपवाद होती है, उसमें कार्रवाई होती है। 100 में से 1 नंबर वन है साहब, रिकॉर्ड उठा के देख लो ना, आप नंबर वन पे है, वो 100 में से 1 कैसे हो सकते हैं? श्रीमान, मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे सरकार के काम चिरंजीवी है, 2-5 साल जो काम है वो अच्छे हैं, पर अब उम्मीदवार पे डिपेंड करता है कि वो उम्मीदवार यहाँ प्रोग्रेस करवाता है या नहीं करवाता है। उम्मीदवार तो सामने आ गए हैं बीजेपी के, बीजेपी के सामने आ गए, बीजेपी का तो युवा चेहरा है, और उनके पिताजी ने भी अच्छे काम किए थे, तो उसके लिए उनको बेनिफिट भी मिलेगा। इन मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा कि चेहरा, प्रत्याशी का चेहरा क्या है ये देखा जाएगा? नहीं, काम को देख के और प्रोग्रेस को देख के वोट डाला जाएगा। काम को देख के, आप लोग बताओ बाबा किन मुद्दों को लेकर, चेहरा देखिएगा प्रत्याशी का जो उम्मीदवार है, या फिर ये जो तमाम मुद्दे कांग्रेस ने काम नहीं किए या किए? हर मोर्चे पे विफल रही है सरकार, विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है, हर मोर्चे पे विफल रही है। वो भीलवाड़ा में हुआ, वो बच्ची को जिंदी जला दी, उस भड्डे में डाल दी, उसका कोई न्याय नहीं हुआ, हर मोर्चे पे विफल रही है। हरियाणा और प्रतापगढ़ में भी स्थिति यही है, बिल्कुल विफल रही है सरकार, अच्छी तरह से बुरी तरह से जाएगी। तो ये चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं? कोई योजना नहीं, गलत योजना, सब झूठ बोल रहे थे, झूठे वायदा है। आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया? हाँ, जो वायदा करे सही नहीं करता, वायदा करे तो वो वायदे वो करे। कौन से वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए? किसान रे पूर फसल नष्ट होगी के फसल रहा वादा माजो दे, और हो 2 से 5 रुपये गौर देबू मिलिया ने, वो मुआवजा पास हुए नहीं, आज ही पास नहीं हुआ, अभी तक मुआवजा नहीं मिला, नहीं मिला किसको, किसानों ने नहीं मिला। अब ये बताइए कि किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, या बलात्कार, या और जो करप्शन, ये सारे इश्यूज हैं, या फिर वाकई ये जो अच्छी चीज़ें योजनाओं की बात हो रही, चिरंजीवी योजना, उन वो एक मुद्दा है? योजनाएं सरकार की सारी अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। धरती पे जो मशीनरी है सरकारी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, बाकी योजनाएं सरकार की एक भी फेल नहीं है। अगर देखा जाए उन योजनाओं का लाभ ले, जो आदमी लाभ ले रहा है वो आज उचित लाभ ले रहा है उसका, बाकी कोई योजनाएं फेल नहीं है, सरकार की सारी योजनाएं सही है। दरियाऊद का विकास हुआ है, इस क्षेत्र का विकास हुआ है, विकास में कोई बाधा नहीं है। ये विकास कौन किया? कांग्रेस सरकार, जो भी सरकार आ रही है, जो लेकिन फिर भी पिछले सालों से बनिस्बत इस 2.5 साल में जो विकास हुआ वो शायद आज तक कभी नहीं हुआ है। 2.5 साल में, 2.5 साल में जो उपचुनाव हुआ है उसमें जो विकास हुआ है उसमें जो पैसा में तो किया, कांग्रेस ने जीता था, कांग्रेस क्षेत्र ने जीता था, और दरिया विधानसभा में जो पैसा लगा है वो पिछले कभी नहीं लगा, इस 2.5 साल में जो पैसा लगा है, रिकॉर्ड उठा के देख लेना आप कहीं पे भी जाकर। क्या विकास हुआ है? हमें तो सर विकास कुछ दिखा नहीं, जो सरकार ने नीतियां बनाई किसानों के साथ, इनको नहीं दिख रहा है, बताइए को नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, बाकी आप रिकॉर्ड से देखो ना, आप जो पैसा लगा 2.5 साल में, करोड़ों रुपए लगे, कभी नहीं लगे आज तक इतिहास में, कभी 5 साल में नहीं लगे। भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया था, इनके पेपर लीक में जो इनके सारे चेयरमैन बना है, इनके सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व है, और सरकार बनते ही देखना आप,
सबसे बड़ा घोटाला इनका ये मोबाइल घोटाला निकलेगा जो बांटे ना, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। कह रहे मुफ्त हमने छात्राओं को दिए, अरे दिए पर बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा साहब। हर जगह घोटालेबाज हुए, भ्रष्टाचार हुआ है और इस देश को, इस प्रदेश को कम से कम कई पीछे लेके चले गए। करप्शन हर जगह है, करप्शन की बात मान लेती सरकार मान रही, लेकिन जो कर्मचारी मशीनरी है उस पर सरकार का नियंत्रण सही तरीके से नहीं होने की वजह से करप्शन को बढ़ावा मिला है। बाकी करप्शन कोई सीएम थोड़ी कर रहा बैठा बैठा है, उसकी मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रही सही तरीके से, किसको सजा देगा वो? पेपर लीक जैसे इशू है क्या, पेपर लीक जैसा मुद्दा है क्या? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं हमें। आप क्या करते हैं? सब्जी का व्यापार करते हैं हम। अच्छा, तो व्यापार अब यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि करप्शन और बाकी सारे इश्यूज हैं, या फिर यहाँ पर काम अच्छा हुआ है? काम तो लोगों को दिख रहा है, जो भी काम हो रहा है कांग्रेस में, हम तो बीजेपी को चाहेंगे सर। बीजेपी को चाहेंगे क्यों? बीजेपी कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया क्या? आप देख लो राजस्थान में जो भी हो रहे है, हत्या गैंग रेप जो भी चल रहा है इन्हीं के राज्य में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर और मर्डर और ये सारी चीजें, क्रेप और ये सारी चीजें इश्यूज है, ये एक मुद्दा है जी। हम ओनली बीजेपी है सर। भाई बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अभी राजस्थान सरकार कई बसों पे एडवर्टाइज कर रही है, 500 रुपए हमने गैस पे उतार दिए, किसी गरीब जनता भी पिलाई, किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी 500 रुपए नहीं उतारे। और मोदी जी ने अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है और 200 रुपए तुरंत, मैं कल टंकी लेके आया हूँ और मेरे को 200 रुपए की उसमें डायरेक्ट छूट मिली और उसमें गैस का दाम कम हुआ। तो गरीब जनता को तुरंत जो कहते हैं वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जनता उन पे ही भरोसा करेगी। और 99% कहता हूँ मैं, 101% कि क्षेत्र की जनता की डिमांड थी चेहरे के हिसाब से और अच्छा टिकट दिया है और 100% यही मतलब जीत निकलेगी। सर बाप देगा तो बेटा खर्च करेगा ना, केंद्र से मिलेगा तो राजस्थान करेगा ना, बड़ी कोशिश से तो कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो दे रहे हैं, कई जगह तो काट दिया झगड़े में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े में जनता पी रही, पैसा दे रही है केंद्र सरकार, जल शक्ति मिशन हर घर नल जल योजना का पैसा दिया है, अरबों रुपए का बजट बढ़ा हुआ है, राजस्थान सरकार उस पैसे को नहीं लगा सक रही है और उसका जो हिस्सा वो नहीं दे पा रही है। और किसानों का एक फसल मुआवजे का जो बीमा होता है उस बीमे में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, कंपनी ने पैसा दिया, राज्य सरकार का जो 33% का पैसा आता है वो राज्य सरकार ने पैसा जमा नहीं कराया, किसानों को पिछले 3 साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है और उनको क्लेम नहीं मिल रहा है बीमे राशि का। केंद्र सरकार तो पैसा भेज रही है, सर भेज रही है उनके हिसाब से भेज रही होगी, बाकी कहाँ लोगों को कहा है, कोई मतलब नहीं। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, नहीं राज्य सरकार ने अपने हिस्से के पैसे किसान के बीमे के नहीं जमा कराए अभी तक 2 साल से, इसलिए किसान पीसा जा रहा है, किसान को अभी तक क्लेम नहीं मिला। राजस्थान सरकार में, राजस्थान सरकार में जैसे केंद्र सरकार 60% आवास में खर्च करती है, केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार को उसके अंदर देना पड़ता है, मगर राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार की योजना में अगर राज्य सरकार देगी तो गरीब का भला होगा, इसलिए वोट उनको जाएगा, इसलिए वो 40% पैसा आवास में जमा नहीं करा रही है। ये केंद्र और राज्य की क्रेडिट की लड़ाई है, उस लड़ाई के ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी है, कई सारे मुद्दे हैं और सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य की लड़ाई में राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है और क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है यहाँ भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है और प्रतापगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं, प्रतापगढ़ के धारियावाड़ में मौजूद है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, धारियावाड़ और प्रतापगढ़। धारियावाड़ से टिकट क्लियर हो गया है बीजेपी का कन्हैयालाल मीणा, लेकिन यहाँ भी कमोबेश वही सारे मुद्दे हैं जो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में हम घूम रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, करप्शन है, लेकिन कांग्रेस की कई योजनाओं का जिक्र भी है। और सवाल यहाँ पर अभी चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि भाई पैसा मिल ही नहीं रहा है केंद्र सरकार, केंद्र वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई पैसा मिल रहा है राजस्थान खर्च नहीं कर पा रही है। सर रिकॉर्डेड है, सारा पैसा केंद्र ने दे रखा है और उस केंद्र के जो पैसा आ रहा है, हर घर जल शक्ति मिशन वाला पैसा है इनके पास पड़ा है, उस पैसे का आज दिन तक ये नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि इनका जो हिस्सा होता है राज्य का वो नहीं लगा पा रहे। और बलात्कार में गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास है, ये कह रहे हैं सीएम साहब क्या करे, कर्मचारी गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास में है और लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति खराब हो रही है कि राजस्थान में आए दिन लूट हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं,
और बलात्कार हो रहे हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर इशू ये है कि आप आम पब्लिक से पूछ सकते हैं कि जो पब्लिक से ही पूछ रहे हो, मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे यहां पर धरियावद में नगर पालिका को भी जो देसी भाषा में कहते हैं रांडी रांड कर रखी है, पंचायत समिति में जिससे प्रोग्रेस होती है गांव की प्रोग्रेस नगर पालिका से होती है, नगर पालिका में ऑफिसर नहीं रख रखे हैं उनको, जब यहाँ MLA यहीं के हैं सरकार यहीं की है तो कम से कम ऑफिसर तो कम से कम रखे। मशीनरी ही फेल है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नीतियाँ कोई खराब नहीं है, उन्होंने योजना दे रखी, पैसा दे रखा, बजट दे रखा। मशीनरी किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर, सरकार को सुधारना है। अंदर तो सरकार इसी बात पे फेल है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है उसका। मशीनरी फेल है, सिस्टम फेल है। कौन सा? नगर पालिका में अफसर नहीं रहते हैं। अफसर नहीं रहते सर, तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने देखा होगा। बाकी रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, नहीं इनकी तो कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे हर अपराधी को 2 घंटे या फिर 1 दिन में गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, और इनके राज्य में तो कई लोग आज भी घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता। क्या है यहाँ हुआ है तो उसको तो दो तीन घंटे में उठा के अंदर डाल दिया है। ये बात कह रहे सब, जो बात सही बात है, गलत बात नहीं है, जो बात है तो सही। लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बराबर सही। कोई अपराध की घटना हुई तो 2-4 घंटे या ज्यादा ज्यादा 1 दिन में लोग निकल जाते हैं बाहर, कोई मतलब ये लोग सरकार ने, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, क्राइम क्या पता नहीं है। यहाँ क्या इशू है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करिएगा? यहाँ तो कहने का मतलब जनता जनार्दन है, तो यहाँ प्रत्याशी देखिएगा कन्हैया लाल मीणा या जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है वो उन्हें देखकर आप वोट कीजिएगा, या सरकार किसकी बन रही है? केंद्र में मोदी चाहिए हमारे को। राजस्थान में कौन चाहिए? राजस्थान में मोदी चाहिए। राजस्थान में मोदी वसुंधरा राज चाहिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे चाहिए, वसुंधरा राज चाहिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे चाहिए, वो ही आएगा। इस बार तो कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का, वो आएगा, वही आएगा, वसुंधरा बनेंगे मुख्यमंत्री, वही बनेगी मैडम बनेगी मुख्यमंत्री। सर हमारे मेरे को केंद्र में मोदी चाहिए और राजस्थान में गहलोत चाहिए, गहलोत जितना राज इंडिया में किसी ने काम नहीं करा। ये कह रहे हैं केंद्र में मोदी चाहिए, राजस्थान में गहलोत चाहिए। हाँ फूल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल चाहिए, की सरकार चाहिए। हाँ गहलोत चाहिए, गहलोत ने काम भी कराया इस बार। कह रहे वो कह रहे दोनों ने काम कराया उसने। दोनों दो सचिन पायलट अशोक गहलोत के झगड़े में जनता पिस गई, कोई वायदा विफल हो गए। विफल पायलट अशोक गहलोत के झगड़े का असर हुआ है, बहुत काम हो रहे हैं, कोई कमी नहीं, इन झगड़े का असर हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा उसका, सब क्या करे। राजस्थान में जितना अब की बार काम हुआ पहले कभी नहीं हुआ था, जिले भी बने, रोड भी बने और सीरेंजी भी बने, हॉस्पिटल में भी देखो, हर जगह आप देखो, हर मोर्चे पे विफल है सरकार, घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। सर मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने से आप सर्वे कर रहे हो, किसी सरपंच को ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच है उस सरपंच से जाके मिलो कि तुम्हारी पंचायत में एक साल से वो इतने परेशान है कि उनको नाली साफ कराने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो आगे का बजट आ रहा है नाली क्या होती है, वो कचरा ले जा रहे हैं। हैदराबाद का मालूम नहीं, हैदराबाद भी गुप्त हो गए, जब तक ये सरकार बैठी उस समय हैदराबाद भी गुप्त है, हमारे अभी तक हैदराबाद भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, अभी जाने में कुछ भी नहीं आता है हमारे उधर, पूरा सिस्टम कुछ नहीं मिले। सरकार की विफलता की एक चीज है, दरियावद में बताते हम, दरियावद में नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का, नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का है, और वही कांग्रेस की सरकार में अगर अपनी नगर पालिका के ताला लगा करके धरने पे बैठे, इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है? धरने पर क्यों बैठना पड़ा सर, ये पता नहीं है, कर्मचारी के विरुद्ध बैठते हैं और क्या है, वही है सिस्टम, हमारे उधर यही सिस्टम चल रहा है सर, सरपंच नाम ऐसा ही है। धरना पर बैठना क्यों पड़ता है? ताला लगाने का कारण ये, कर्मचारी हट धर्मिता से काम कर रहा था इसलिए उसको हटाने के लिए ताले लगाए गए, ताले इसलिए नहीं लगाए, ताले उस कर्मचारी को हटाने के लिए लगाए गए क्योंकि उसके हट धर्मिता से काम कर रहा था कर्मचारी, उसकी मनमानी कर रहा था, गांव के अंदर विकास नहीं हो रहा था, विकास नहीं होने दे रहा था वो, इसलिए उसका ताला लगा के धरना लगाना पड़ा। प्रतिनिधि तो इसी के लिए होते हैं ना कि मनमानी अगर कोई कर रहा है कर्मचारी तो जनप्रतिनिधि आवाज उठाए, तो इसी के लिए तो धरना प्रदर्शन होता है। नगर पालिका के ताला लगाने का रीजन ही वही है ना, रीजन है ना, ये तो विफल और क्या, विफलता समझो या कुछ भी समझो, लेकिन किसी आदमी को हटाना, ये थोड़ी उसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे, ये थोड़ा तरीके से होगा ना काम, तो कर्मचारी उनका, चेयरमैन उनका, सरकार उनकी, वही धरने में बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आम जनता का क्या होगा? स्पष्ट नजर आ रही है, जब कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहा है, जो सत्ता में जो है, कर्मचारी को आए हुए 3 महीने हुए थे, वो अपने विफलता अपने हिसाब से काम कर रहा था, तो उसको उसके हठधर्मी से काम नहीं हटा सकते, तो उसको इसलिए धरना लगाना पड़ा। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये चूंकि आरक्षित सीट है
है ना, तो आदिवासी वोटरों की एक बड़ी भूमिका है, एसटी वोटरों की बड़ी भूमिका है, क्या यहाँ इसके अलावा और भी कोई जातीय समीकरण है? कोई जातीय समीकरण नहीं है, सिर्फ सिर्फ एसटी एक ही है, एक ही समीकरण है और कोई समीकरण नहीं है। 80% सर इस क्षेत्र में एक ऐसा समीकरण बैठ रहा है जैसे कि वो कहते हैं दलित दो प्रकार के होते हैं, एक दलित है जो वाल्मीकि थे उन्होंने रामायण लिखी थी, एक दलित है जो भीमराव अंबेडकर साहब जो जिन्होंने संविधान लिखा था। तो संविधान आधे इसमें जो ईसाईकरण जो हो रहा है और इन क्षेत्र में वो ऐसा एक माहौल बना रहे हैं उसमें, जैसे कि वो भीमराव अंबेडकर साहब का वो जो संविधान मान रहे हैं मगर उनका जय श्री राम का और वो रामायण नहीं मान रहे हैं, इसका भी एक तो हिंदू मुस्लिम भी क्या है फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है, सब एक समान है, कुछ भी नहीं है। ये चाय पर चर्चा आपने धारियावाड़ प्रतापगढ़ से आपने सुना, अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों की अलग अलग राय है, जैसा कि अलग अलग जगहों पर हम गए, कांग्रेस के कुछ, बीजेपी के कुछ, राजस्थान में गहलोत भी चाहिए लेकिन केंद्र में मोदी चाहिए, या फिर केंद्र में अब मोदी और राजस्थान में भी बीजेपी चाहिए, तो ये एक राय जरूर है कि केंद्र में मोदी जरूर चाहिए, अब राजस्थान में कौन चाहिए, गहलोत या फिर बीजेपी, इसे लेकर अलग अलग राय है। शाम 4 बजे जरूर इलेक्शन एक्सप्रेस मेरे साथ देखिए, जो आपने इन मुद्दों को सुना उन मुद्दों पर सवाल होंगे और नेताओं के जवाब। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही, नमस्कार।